ये है प्रिंटर है, ये लेज़र जेट 3050 प्रिंटर जो होता है वो ऑल इन वन होता है। तो ये इसके फंक्शन होते हैं, इससे हम साइज़ कम या ज़्यादा करते हैं। ये स्कैन का है, ये लाइट एंड डार्क, इसको लाइट एंड डार्क करना है, उसके बाद स्कैन का है, क्वालिटी का है, स्टार्ट कॉपी का है, ये इंटर का है, ये मेन्यू है, इसके फंक्शंस हैं, और ये इसके की पैड है, और ये फैक्स के लिए है। तो हम सारे फंक्शंस आपको इस्तेमाल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर इसमें पेपर जैम हो जाता है तो हमने इसको कैसे ठीक करना है। दो जगह पे पेपर जैम होता है, एक इस जगह पे, इसको हम ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको ओपन करेंगे, तो अगर यहाँ पेपर जैम हो जाता है या पेपर जाता नहीं है कैसे, या पेपर अटता है फोटो कापी करने के लिए, तो इसको साफ़ कर लेना। ये रूलर्स हैं, ये पेपर को अंदर खींचते हैं। तो अब ये है इसका दूसरा ऑप्शन है कि पेपर यहाँ पे जैम होता है, ये बटन प्रेस लगा हुआ है, ये देखें ये मशीन है, और ये बटन तो प्रेस करना है, ये ओपन हो जाएगा। ये टूनर इसकी बोतल है और रूलर भी इसके अंदर ही है, इंक इसी में होती है। इसको हम निकाल के दिखाएं, इसको ऊपर प्रेस करना है और इसको ऊपर प्रेस करना है और इसको बाहर खींच लेना है। इसे ये टूनर वाली बोतल है, इसके अंदर टूनर होता है। और ये दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ अगर पेज फंस जाता है आपका, तो आप यहाँ से इसको इजीली निकाल सकते हैं। इसको वापस ऐसे ही हमें रखना है, इसका ऊपर वाला हिस्सा ऐसे अंदर प्रेस करना है और इसको नीचे कर देना है, तो ये इजीली फिट हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा। अब इसको ऐसे बंद कर देंगे, तो अब मज़ीद इसको फ़ोटो कापी करके भी दिखाते हैं इसके फ़ोटो कापी हम कैसे करते हैं। तो अब इसको हम ऑन करते हैं, तो हमने जो पेज हमने जो पेज फ़ोटो कापी करना है वो हमने इस जगह पे लगाना है, ये जगह है इसकी, यहाँ पेज लगाना है, और ये नीचे पेज रखना है हमने, यहाँ से पेज अंदर जाएगा और फ़ोटो कापी होके निकल के आएगा। चलिए मैं आपको दिखा पेज लगाने का तरीका बताता हूँ। ये हमारे पास पेज है, तो इसको ऐसे लगाना है, मैं आपको बताता हूँ। इसको ये जो प्रिंट है इसको नीचे लगाना है, नीचे वाली साइड से ऐसे। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप इसको उठा के ये रूलर्स के ऊपर इसको रख के, ये रूलर है इसके रख के इसको आप बंद कर सकते हैं, इसको रखना सेंटर पे है। तो ये पेज लग चुका है ये फ़ोटो कापी के लिए। अब हमने ये देखिए ये खाली पेज है, तो हमने इसको ऐसे लगाना है, यहाँ पे इसको सीधा रख देना है और इसको पेज यहाँ लगा दिया। अब हमने इधर आ जाना है की पैड के ऊपर, और ये स्टार्ट कॉपी का बटन हमने स्टार्ट कॉपी करते हैं, तो ये पेज अब खुद ब खुद अंदर जाएगा, ये पेज अंदर चला गया, देखें ये पेज इधर से बाहर साइड पे आ गया। अब नीचे वाले पेज जाएगा ऊपर, अब यहाँ से कॉपी होके आ जाएगा, ये देखें ये पेज बिल्कुल कॉपी हो चुका है। तो इस तरह आपने कॉपी करनी है, और इसकी अगर सेटिंग आपने कोई मसला बनता है तो आपने इसको सेटिंग को यहाँ से, मैं आपको बताता हूँ, ये मेन्यू है, यहाँ से ये आप कोई भी फ़ोटो कापी सेटिंग सेटअप रिपोर्ट्स वगैरह फैक्स सेटअप सिस्टम सेटअप ये इस तरह, तो फ़ोटो कापी का यहाँ से सेटअप कर लेना है, या डिफ़ॉल्ट क्वालिटी है, ये तीन फंक्शन डिफ़ॉल्ट क्वालिटी के। उसके बाद इसको मिक्स पे रख लेना है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है कॉपी सेटअप पे, नीचे फिर इसकी डार्क लाइट एंड डार्क, उसके बाद आपने डिफ़ॉल्ट कलेक्शन, ये कॉपीज़ कितनी करनी है, तो ये रेड्यूस, ये जैसे ये बचना है, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी कर सकते हैं।
अभी देखिए यहाँ से इसको हम कैंसिल करते हैं, बैक करते हैं, तो यहाँ से अगर डार्क करना तो हम यहाँ से डार्क कर देंगे, अगर हमें साइज़ कम या ज़्यादा करना तो यहाँ से कर देंगे, लेट लीगल टू ये वो ये सारा हम इसे ऐसे कर देंगे। तो ये इसके फंक्शंस हैं। और पेपर जैम का मैंने बताया ये दो जगह, एक यहाँ और एक जो बटन लिखा हुआ है यहाँ, इसको ऊपर करेंगे यहाँ पेपर जैम हो सकता है, दो ऑप्शन है। और इसको इसका बहुत आसान तरीका है इसको इस्तेमाल करने का, और इसका जो टूनर है वो भी बहुत सस्ता मिल जाता है आपको मार्केट में। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।